हेलो फ्रेंड्स, अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सीरीज ऑफ 700 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। और आज है 27 सेशन। देखिए, आज हमारा ये लास्ट सेशन है और अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं उसको आपको एक बार रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाकर के वीडियोस को देखें। कल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शो किया था, लेकिन शायद वो किसी प्रॉब्लम से नहीं दिख रहा है आप लोगों को। आज गूगल ड्राइव का लिंक डायरेक्ट मैं पेस्ट करूंगी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा। या फिर एक हमारा वेबसाइट है विच इज़ www.stepupis.com, वहाँ पर भी जाकर के आप प्रिलिम्स स्मैशर सीरीज में वीडियोस को देख सकते हैं। जो देखिए, जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसका PPT मिल नहीं रहा, पता नहीं डिस्प्लेस हो गया है, इसकी वजह से उसके PDF को नहीं अपलोड किया गया है। अदरवाइज जितने और PPTs हैं उसको अपलोड कर दिया गया है। तो मैं जो लिंक डाल रही हूँ आज गूगल ड्राइव वाला, वो एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा, अगर मिल जाएगा आपको तो आसानी हो जाएगी रिवीजन में, ठीक है। और आज के सेशन की जानकारी ले लेते हैं। फुल टेस्ट पर ही आज के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो फ्रेंड, कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल। और अंत में हम फिर से देखेंगे कि कैसे हमें अपने मेथड को इस्तेमाल करते हुए आंसर को गेस करना है। हालांकि अब आप लोग सीख चुके हैं जितना मैं समझ पा रही हूँ, तो बस इस मेथड को जाके एग्ज़ाम में, जो कि परसों है 2 जून को है, उसमें आपको अप्लाई करना है। हाँ, किसी फ्रेंड ने पूछा था कि क्या PCS के लिए ये क्वेश्चन सीरीज फ़ायदेमंद है, तो बिल्कुल है। हर एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देख रहे हैं। और अब अगर आप PCS की बात करें तो वो कहीं ना कहीं UPSC के पैटर्न पर ही हो चुका है, तो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप सारे सीरीज़ को फिर से देख सकते हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ओवरव्यू 2019। एक रिपोर्ट है, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है ये आपको बताना है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ओवरव्यू रिपोर्ट, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन हैं उसमें हमें गेस करना होगा WHO, यूनिसेफ या फिर ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क और वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा अराइज हो गया है, क्योंकि अगर हम हेल्थ के परस्पेक्टिव में बात करें तो WHO भी है जो काम कर सकती है, यूनिसेफ भी बहुत सारे काम है जो इस फील्ड में करती है, ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क का भी काम हो सकता है, वर्ल्ड बैंक को चलिए आप एलिमिनेट कर भी सकते हैं एक बार को। यहाँ पर इसका सही आंसर है WHO, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन आप इसको याद रख लें, मैंने कहा है रिपोर्ट कई बार पूछे जाते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वन लाइनर ही है। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है आपको गेस करना है। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब अगर आपको इसके आसपास का कोई एरिया पता हो, कोई रीज़न आपको मालूम हो, तो शायद आप इसको इजीली गेस कर पाएंगे। कि जिसने नहीं सुना है कभी इसके बारे में, उनको बता दूं कि ये कर्नाटका में है जो दांडेली वाइल्ड लाइफ तो ये बर्ड वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये सेंचुरी, याद रखिए कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट आउटपुट गैप इन इकोनॉमी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आउटपुट गैप क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा है, कंट्रीज आउटपुट गैप मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है, दोनों ही होंगे ए एंड बी, और लास्ट वन इज नन ऑफ देम। देखिए, ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज RBI ने एक रिपोर्ट शो किया था, उसमें बताया गया था कि इंडिया का जो आउटपुट गैप है वो अभी नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी कंट्री की जो एक्चुअल पोटेंशियल है, ठीक है, GDP के टर्म्स में अगर हम बात करें तो, और उसका अभी जो एक तो जो पोटेंशियल, देखिए इस आउटपुट गैप का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमी की जो एक्चुअल पोटेंशियल GDP है, मतलब जो वो कंट्री अपना परफॉर्मेंस ला सकती है आउटपुट के टर्म्स में, और दूसरा होता है जो अभी एक्चुअली में आउटपुट आ रहा है, राइट। जैसे आप कितनी मेहनत करते हैं ये कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट से शो होता है दुनिया वालों को, बट आप मेहनत तो कर ही रहे होते हैं, तो आपकी क्या पोटेंशियल है ओवरऑल मेहनत करने की और आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं, इस दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, इसको ही आउटपुट गैप बोलते हैं। और अभी RBI ने बताया है कि इंडिया का जो आउटपुट गैप है वो नेगेटिव में चल रहा है, मतलब जो पोटेंशियल रखता है इंडिया अपने आप में
इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो, लेकिन उतना हम आउटपुट नहीं ला पा रहे हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आंसर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट और इंडिसेस इज और आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को, आई होप आपको याद होगा। कौन कौन से रिपोर्ट को WEF के द्वारा रिलीज किया जाता है ये आपको बताना है। ग्लोबल कॉम्पिटिवनेस रिपोर्ट क्या आपको याद आ रहा है, इसमें से एक भी या दो भी अगर आपको पता है तो आप आंसर से गेस कर सकते हैं। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तीसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब आपको अगर एक पहला वाला क्लियर है कि हाँ कॉम्पिटिवनेस इंडेक्स या रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, तो वन होना चाहिए हमारे आंसर में, तो ए सी और डी में वन गिवन है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या WEF के द्वारा रिलीज किया जाता है, और तीसरा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो अगर आप तीसरे वाले में भी श्योर हैं कि भाई तीसरा वाला जो है वो WEF के द्वारा नहीं रिलीज किया जाता बल्कि यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है UNSDSN के नाम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करती है, उसके द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। तीसरे वाले को एलिमिनेट करेंगे तो सी होना चाहिए हमारे आंसर में। फोर्थ वन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो कि WEF के द्वारा निकाला जाता है, आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, तो याद रखिए 1, 2 और 4 जो है वो WEF ही रिलीज करती है। रिपोर्ट वाला पेज एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों ने सारे रिपोर्ट की लिस्टिंग की है वहीं पर जाके अपडेट कर दीजिएगा अगर कुछ नहीं पता होगा तो। और ऐसे जो नोटबुक आपने बनाई है लास्ट मोमेंट के लिए उसको आप लेके अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी जा, मतलब हॉल में नहीं, हॉल तक जा सकते हैं। आप अपने कैब में या मेट्रो में जा रहे हैं तो उसको रिविजन करते हुए जाएं। और तीसरा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको याद रखिएगा, WEF या वर्ल्ड बैंक नहीं निकालती बल्कि यूनाइटेड नेशंस एंड UNSDSN के नाम से जो एजेंसी है वो निकालती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पोराग। पोराग का नाम आपने सुना है, फार्मिंग से रिलेटेड ये फेस्टिवल है पोराग, और इसको किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये न्यूज़ में था, इसलिए जान लीजिए, क्या पता पूछ लिया जाए। रियांग, मिशिंग, लैपचा और कचारी, ये सब आपने नाम सुना होगा, बट इसको सेलिब्रेट किया जाता है मिशिंग कम्युनिटी के द्वारा। थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ लें अगर आपको याद रखना हो तो, बाय चांस एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेबीज। देखिए अभी न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक इन्फेक्शियस फंगल डिजीज़ है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि फंगल डिजीज़ रेबीज है या फिर बैक्टीरियल है या फिर वायरल है, तो आपको याद होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि एक वायरल डिजीज़ है जो रेबीज़ है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। दूसरा है यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज इज अ कोलैबोरेशन कंप्राइज बाय द WHO टू प्रोवाइड अ कॉमन स्ट्रेटजी टू अचीव जीरो ह्यूमन रेबीज डेथ बाय 2030। इस वजह से ही ये न्यूज़ में था, बिकॉज अब एक कोलैबोरेशन हुआ है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके, जिसमें कि जीरो ह्यूमन रेबीज डेथ को अचीव अटेंड करने की बात की गई है 2030 तक, यानी कि रेबीज से होने वाले जो केसेस हैं उसको कम किए जाएंगे। और इसके लिए यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज ये कोलैबोरेशन का नाम है, क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा WHO ने इसको स्टार्ट किया है और कई सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन है। पहला वाला गलत है तो आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, आपने सुना है इसके बारे में, ICBA या फिर ISA के नाम से, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एस्टैब्लिश टू रेगुलेट ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ISA, तो अगर इंडिया मेंबर है तो इम्पॉर्टेंट है ये अथॉरिटी, ठीक है, और इसका क्या काम है ये भी आपको याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही गिवन है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये क्वेश्चन बनाया गया था कि अगर इंटरनेशनल सी बेल्ट अथॉरिटी से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसमें मेंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप रैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। फर्स्ट एवर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग वॉज रिलीज्ड, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, ये जो स्टार्टअप रैंकिंग अभी पहली बार पब्लिश हुआ है उसमें। दूसरा है गुजरात को बेस्ट परफॉर्मर बताया गया है। देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है लेकिन पहला वाला गलत है, आंसर होना चाहिए ओनली बी, क्योंकि इसको नीति आयोग नहीं बल्कि DIPP जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्रमोशन, उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। पहली बार इसको इस
पूरे इंडेक्स को लाया गया है, रैंकिंग को लाया गया है, जिसमें कि गुजरात ने टॉप किया है। अदर स्टेट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, ये सारे टॉप रैंकर में से एक हैं। और फर्स्ट टाइम है इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा, और नीति आयोग से आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, तो इसको ज़रूर रिव्यू कर लें, एक बार दोबारा से पढ़ लें इसके बारे में अगर आपको नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, एनवायरनमेंट का पेट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1997 टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। दूसरा है, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड फॉर द पीरियड 2013 टू 2020 वॉज अडॉप्टेड इन 2012 एट दोहा अमेंडमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तीसरा है, इंडिया हैज रेटिफाइड द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल को क्यों लाया गया था, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है। तो ऐसे चीज़ें जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, उसको इसमें शामिल किया जा रहा है और उसको फेज आउट करने की बात की जा रही है क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 1997 में ही आया था, हालांकि अडॉप्ट इसको किया गया था 97 में, बट फोर्स में ये 2005 में आया है। तो ये फैक्टर भी आप याद रखेंगे कि 2005 में ये फोर्स में आया है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सेकेंड कमिटमेंट आया है 2012 में, अडॉप्ट किया गया है दोहा अमेंडमेंट के तहत। तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है कि इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, जो सेकेंड कमिटमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल का। तो यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी समय है आपके पास, अभी बचे हैं बहुत सारे घंटे, तो प्लीज़ उसमें आप रिवाइज कर लें। अगर इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये बाइंडिंग है, किस किस कंट्रीज़ पर बाइंडिंग है, तो वो सब थोड़ा आप कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग तो है, बट जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद ये एनेक्स वन कंट्रीज़ पर ही बाइंडिंग है। तो इस इशू को एक बार देख लीजिएगा कि बाइंडिंग ये किस तरीके से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है और ये भी एनवायरनमेंट से ही संबंधित है, मिनिस्ट्री मीटिंग ऑफ पार्टीज MOP ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, एट किगाली HSC वो हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ केमिकल अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरा है कि देखिए यहाँ पर आप अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर आगे देखेंगे। HFCs आर द सीवियर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो HFC है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तीसरा है, दैट इंडिया हैज़ प्रोमिस टू कम्प्लीटली स्टॉप द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HFCs बाई 2022। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। क्या पूछा जा रहा है? नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा इसमें गलत है? दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि HFC जो है ये ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट गैस है, ना कि ओजोन डिप्लीटिंग। ये डायरेक्ट ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है, इसलिए शुरुआत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको नहीं लाया गया था, बल्कि किगाली एग्रीमेंट के तहत इसको फेज आउट करने की बात की जा रही है। तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि इंडिया ने HFC के प्रोडक्शन और यूज़ को कम्प्लीटली स्टॉप करने को नहीं कहा है 2022 से, तो ये भी बिल्कुल गलत होना चाहिए। तो बी इसका सही आंसर होगा, कि यहाँ पे नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ, इंडिया जो है वो थर्ड ग्रुप कंट्री में से एक है। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड ग्रुप कंट्री में इंडिया का नाम आता है, और जो थर्ड ग्रुप कंट्रीज़ हैं उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो 2028 से, याद रखिएगा, 2028 से HFC के यूज़ को वो फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 2047 से, याद रखिए 2047, 2047 से ये 2025 लेवल से, कौन सा लेवल है, 2025 लेवल से HFC के यूज़ को रिड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, करना स्टार्ट कर देंगे 2025 के लेवल से 2047 तक, और 2028 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर फ्रीज कर दिया जाएगा इसके यूज़ को। ये जो ग्रुप थ्री है उसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, आप शिफ्ट कर लीजिए फटाफट से एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो व्यक्ति या फिर जो लेडी बनेंगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होंगे। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही है, आपको अगर याद आ रहा हो तो। ही और शी इज़ डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, क्या वो लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तीसरा है, ही और शी द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ठीक है, उनको डिबार्ड नहीं किया जाता, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा हिसाब से, सी ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर तीसरे वाले में भी आप श्योर हैं कि हाँ उनको राइट टू स्पीक हो, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता है, याद रखिएगा, राइट टू स्पीक तो है, राइट टू वोट नहीं है, और यहाँ पे आंसर होना चाहिए बी, 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है U22, आपने नाम सुना है, हमेशा न्यूज़ में होता है U22, क्या है ये? अभी न्यूज़ में था, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 4 ऑप्शंस गिवन है, लूना रोवर है चाइना का, चैंगफो मिशन अगर आपने नाम सुना हो, रशिया का मिशन है ये, या फिर चाइनाज नॉन न्यूक्लियर वेपन है ये, और या फिर लास्ट ऑप्शन की, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आपको याद आ गया होगा पहला वाला सही आंसर है चैंगफो मिशन, लूनार रोवर, ठीक है, U22। आगे बढ़ते हैं, ऑफन ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ऑफन ड्रग क्या होता है, क्वेश्चन बन जाएगा कि ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था। पहला ऑप्शन है ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, अगर आपको ऑफन का मतलब भी पता है तो भी आप इस आंसर को गेस कर लेंगे। दूसरा है दैट ड्रग फॉर विच द पेटेंट एक्सपायर्स एंड इज अलाउड टू रेप्लीकेट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तीसरा है ड्रग दैट आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस एंड अबंडेंट आफ्टर इट। तो इसका सही आंसर है ए, ऐसा ड्रग जो कि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता हो, उसको बोलते हैं ऑफर ड्रग। प्लीज़ याद रखिएगा ए इज़ द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है हम्पी में, उसके बारे में क्वेश्चन है। इट इज़ लोकेटेड इन द तुंगभद्रा बेसिन ऑफ कर्नाटका, क्या वहाँ पर लोकेटेड है कर्नाटका हम्पी, कुछ रिलेशन अगर आपको याद आ रहा हो। दूसरा है हम्पी वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। एंड तीसरा ऑप्शन है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है, और यहाँ पे सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम्पी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो तो रिवाइज ज़रूर कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, देखिए ये इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज़ में इतना ज़्यादा था ये टॉपिक, इतना ज़्यादा था कि उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो आपको न्यूज़ में देखते हैं, कौन इसको प्रिपेयर करता है, लेबर ब्यूरो या सोसाइटी फॉर लेबर एंड डेवलपमेंट या नीति आयोग या फिर NSSO। गेस कर सकते हैं आप आसानी से, आंसर है डी, NSSO के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और अभी जो डाटा सामने आया है इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को चेक किया जाता है कि कितना है, कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। तो अभी जो डाटा सामने आया है उसमें थोड़ा ये लेवल जो है वो कम हुआ है, मतलब जो जॉब ढूंढने वाले, जॉब करने वाले लोगों की संख्या है, मतलब लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है, वो कम हुआ है 2017 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। NSSO इसको रिलीज करते हैं, याद रखिएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेनकाकू आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है ये, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप अगर आपको इसमें से कोई भी हिंट पता है तो, क्योंकि सारे जो लोकेशंस है बहुत ही आसपास है, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी, ये सब बहुत ही आसपास लोकेटेड हैं। तो आपको याद रखना है कि ईस्ट चाइना सी पे लोकेटेड है ये शेनकाकू आइलैंड, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है जापान के द्वारा, और जापान और चाइना के बीच में ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड है शेनकाकू, याद रखिएगा इसको। और अब थोड़ा इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। आप लोग 2 जून के बाद हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं इस नंबर पर कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा परफॉर्म किया आप लोगों ने, और अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव लगे तो आप हमारे साथ मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए आने वाले 2 घंटे में जो प्रीलिम्स में आपको GS में डिवोट करना है, और CSAT के लिए प्लीज़ परेशान ना हो, अभी हम कुछ और डिस्कस करेंगे CSAT के ऊपर। इन द मीनवाइल मैं बता दूँ कि हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो 10th of June से स्टार्ट है। मैं लगातार आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमें सिर्फ एक कोचिंग ना समझें, हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको पर्सनली गाइड किया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको एक मेंटर मिलते हैं और प्लस क्लासरूम का प्रोग्राम मिलता है जो आपकी एफिशिएंसी को और बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर गिवन है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पिंक सारथी इनिशिएटिव, आपने नाम सुना है कि ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था, कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था। देखिए इसका आंसर जान लीजिए, कर्नाटका इसका सही आंसर है, बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया गया था, ये निर्भया स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन की सेफ्टी के लिए इनिशिएटिव लाया गया है, लेकिन कहाँ पर, तो जो बसेस वगैरह पे ट्रैवल करती हैं वुमेन उनके लिए प्रॉपर एक कंप्लेंट सिस्टम तैयार किया गया है। पिंक सारथी इनिशिएटिव बेंगलुरु में है ये, अगर आपको सिटी पूछा जाए, और कर्नाटका अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा करंट का इवेंट है ये। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, एज यूजल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है।
ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ मोनोथिज्म. आपको याद है, आपको पता होगा, सही स्टेटमेंट है ये. ही इज़ अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप. आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे ये राजा राम मोहन रॉय. एंड तीसरा है, इनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था तुफत अल मुआवद्दीन, अगर आपको याद हो तो. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर डी सही आंसर होगा. इनकी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो उसको भी आप रिवाइज़ कर लें. जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कुछ किताबों के नाम और राइटर्स, तो उसको प्लीज़ फिर से एक बार रिविजन कर लें जहाँ पर भी आपने लिस्टिंग करी हो. ठीक है, और आज के लिए यानी कि इस सेशन के लिए इतना ही. हमारा एक अच्छा सफ़र रहा, कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है. आई होप आपको उसका फ़ायदा मिला है और आगे भी मिलेगा आपके एग्ज़ाम में. वहाँ पर शायद ये फैक्ट्स और ये पॉइंट्स, ये स्ट्रेटजी आपको याद आएगी. ठीक है, और सी सैट के लिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी. जो लोग अभी सी सैट में परेशान हो रहे हैं या वो कुछ कोचिंग सेंटर्स के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए. कम से कम 5 साल या तो आप 3, 4, 5 जितने ईयर्स के आपके पास सी सैट के पेपर अवेलेबल हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए. यूपीएससी वाला पेपर सॉल्व कीजिए, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन जितना कि कोचिंग सेंटर्स में टफ बनाया जाता है. तो इस वक्त आपको कॉन्फिडेंस में आना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है. सी सैट के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो आप अपने आप पूरी ताकत लगा दें वहाँ पर, आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर डालें. मैथमेटिक्स में उलझने की आवश्यकता नहीं है. प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, अरे ऐसे कैसे आप सॉल्व नहीं करेंगे. प्लीज़ इन चीज़ों को वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है सी सैट में. ठीक है, आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िए. बाद में समय बचेगा तो आप ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना जहाँ पर टाइम टेकिंग होता है वो क्वेश्चन. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं. हिंदी माध्यम वाले छात्र, डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को तो आपको आंसर मिल जाएगा उस कॉम्प्रिहेंशन में. तरीका आप अपना अपना यूज़ कर सकते हैं. एक बेस्ट मेथड ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लें जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पर जाएं, फटाफट आंसर मिल जाएगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं. क्वेश्चन को पढ़ लेने से क्या होता है, जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो आप तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है. अगर आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोबारा आपको कॉम्प्रिहेंशन पर जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो सकता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि मैं लास्ट मेथड में कोई भी नई चीज़ आपको नहीं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कन्फ्यूज ना हो. आपका जो बेस्ट मेथड है आप उसको इस्तेमाल करें, जिनको नहीं पता है वो इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो. और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस को. 2 जून के बाद ये नंबर आपके पास अवेलेबल होगा. कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं, आंसर राइटिंग हो या फिर नए तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी हो, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन वेरी 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 ऑल द बेस्ट. हमारी पूरे टीम की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. हम कोशिश करेंगे कि 2 जून को भी हम आंसर लेकर के आपके सामने आएं और वो बेस्ट आंसर हो और आप लोगों को खुशी मिल जाए उस आंसर को देख करके. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग.